Hello, friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So, today's topic is osmosis. So, in this video tutorial, I will be discussing about the topic osmosis. osmosis general introduction देने वाली या फिर थोड़ा सा ऐसे uh, common बातें uh, जाननी चाहिए बताने वाली हूँ ताकि जो osmosis है वो topic आपको easily समझ में आ जाए ये video important रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनको osmosis समझ में नहीं आता है या जिनके और टॉपिक ऑसमोसिस होता है

पानी का जो मूवमेंट होता है पानी का जो मूवमेंट होता है वन मीडियम टू अदर मीडियम या फिर आप कह सकते हो वन सोर्स टू अदर सोर्स एक जगह से दूसरी जगह में जब पानी का मूवमेंट होता है वाटर का जो फ्लो होता है उसे अपन स्पेशली ऑस्मोसिस से डिफाइन करते हैं ठीक है जब भी कभी अपन देखो मूवमेंट की बात करते हैं या फिर अपन बल्क फ्लो या फिर आ, फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो में अपने पास जो होता है एक ऑस्मोसिस वर्ड अपन स्पेशली फॉर वाटर यूज करते हैं पानी के लिए अपन यूज करते हैं ये वर्ड ऑस्मोसिस ठीक है तो इसे हिंदी में परासरण कहते हैं ठीक है अब देखिए जो ये ट्रांसपोर्ट है ये पैसिव है पैसिव का मतलब क्या हुआ पैसिव का मतलब निष्क्रिय अभिगमन है एक प्रकार का ठीक है ये ट्रांसपोर्ट का प्रक्रिया है निष्क्रिय अभिगमन यानी कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट मीनस इट डज नॉट यूज इन एनी टाइप ऑफ एनर्जी ये एनर्जी का यूज नहीं करता ऑसमोस होता कहाँ है ऑस्मोसिस सेल्स के अंदर होता है सेल टू सेल होता है ठीक है टिश्यू टू टिश्यू होता है तो ये ऑस्मोस हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर आपको देखने को ज्यादातर मिलता है या फिर मैं आपको नेचुरल एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूँ जहाँ पे आप ऑस्मोसिस को ईजिल देख पाते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना है स्किप नहीं करना है ना? होता है It is a passive transport of molecules. पानी का, है? है, है का मतलब किसी भी चीज को घोला जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज को घोला जाएगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे और जिस चीज को हम घोलते हैं उसे कहेंगे हम सल्यूट सिंपल एंड स्वीट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक पानी का ग्लास है पानी के ग्लास के अंदर अपन नमक मिलाते हैं या फिर चीनी मिलाते हैं तो जो नमक मिलाते हैं वो होएगा सल्यूट ओके okay? एंड जो पानी है, जिसके अंदर वो मिलता है उसे कहते हैं सौल, प्रकार की एटीपी का यूज नहीं होगा कोई एटीपी यहाँ पे यूज नहीं की जाती है खर्च नहीं की जाती है ठीक है इसीलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है दूसरा पॉइंट होता है ये हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है ठीक है देखिए

जो डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में वो क्या है वो ये है कि यहाँ पे एक एस का होना जरूरी है दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर ऑस्मोसिस यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है ठीक है यानी कि हायर कंसनट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम में झिल्ली के द्वारा ही पानी का जो मूवमेंट है पानी की जो गति है वो होगी तो अगर कहीं पर भी वाटर के मूवमेंट के दौरान एसपीएम का यूज हो रहा है -permeable membrane का यूज हो रहा है या फिर बीच में मेम्ब्रेन एक्ट कर रही है अर्धपार्ग में जिल्ली अगर आ, अपना रोल प्ले कर रही है बीच में पानी के मूवमेंट के दौरान तो उस प्रकार के मूवमेंट को ऑसमोसिस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट एस SP, पी जो है सिलेक्टिवली अलाउ सॉल्वेंट्स टू गो बट नॉट सल्यूट देखो एस पी एम क्या है सिलेक्टिवली परमेबल मेमर है यानी कि ये सॉल्वेंट को तो आर पार जाने देती है लेकिन सल्यूट मॉलिकल्स को जाने नहीं देती है सल्यूट कौन है अभी मैंने आपको बताया जो घुलते हैं वो आ, कौन होते हैं सोल्यूट पदार्थ है ना और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है जो जिसमें मिलना है पानी उसे सॉल्वेंट कहते हैं ठीक है पन, तो विलायक जाता है विलायक जाता है का मतलब जो होता है क्या सॉल्वेंट तो जाएगा लेकिन जो गुलित पदार्थ है सल्यूट है वो नहीं जाएगा वो नहीं मूव करेगा

सॉल्यूट तो लो रखा है अनसॉल्वेंट सॉल्वेंट हाई रखा है यानी कि यहाँ पर जो है uh, विलायक जो है वो ज्यादा मात्रा में है और घुलित पदार्थ जो है वो कम मात्रा में है ठीक है तो यहाँ पर हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन है एंड लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है हाई सॉल्यूट हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि पानी ज्यादा है पानी ज़्यादा है और जो घिलने वाला पदार्थ है फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए चीनी है तो चीनी कम है यहाँ पर ठीक है तो ये देखिए जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं ये ब्लैक डॉट्स सोल्यूट को शो कर रहे हैं तो ये जो यहाँ, पर तो है, कम है, दूसरी तरफ देखिए आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सॉल्वेंट तो यहाँ पे कम है एंड सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है यानी कि यहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है एंड नो लो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन है ठीक है जिस इसका रिवर्स है तो ये आपका साइड है ए ये आपका साइड है ए ठीक है और इसको आप मान लीजिए साइड बी जा आपको समझने में इजी हो अब देखिए यहाँ पर साइड ए से साइड बी की तरफ कौन जाएगा देखिए इस तरफ क्या है हायर कंसेंट्रेशन है ना और इस तरफ क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसकी पानी की सॉल्वेंट की ओके सो तो अब देखिए पानी जो है सॉल्वेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा इधर इधर से पानी मूव करेगा, बीच में पर्वन को क्रॉस करते हुए जाएगा यानी कि यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट जब हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की ए का यूज नहीं हो रहा है दूसरा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है एंड तीसरा

यहाँ पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है मतलब कि यहाँ पे तो चीनी ज्यादा है और यहाँ पे, चीनी, यहां पे चीनी बी वाले फिगर में चीनी जो हैं, वो है। और पानी के हैं और चीनी के मॉलिक्यूल्स कम हैं यानी कि पानी यहाँ पर ज्यादा है सिंपल अपन कहें तो अब पानी यहाँ से ए से लेकर बी के अंदर मूव करेगा इसके झिल्ली यानी कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा मेम्ब्रेन से होकर है ना तो ये जो प्रोसेस अपना होगा इसे अपन कहेंगे ऑस्मोसिस क्या कहेंगे इसे अपन ऑस्मोसिस तो अगर इस डायग्राम में आपसे ही पूछा जाए कि जो वाटर मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आंसर बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो वाटर मूवमेंट किस प्रकार से होगा कौन सा साइड से कहाँ पर होगा तो देखिए आंसर आपका क्या होने वाला है साइड ए टू साइड बी होने वाला है ना

इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है ये चीज़ अपन अब नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इन हिंदी इज नोन एज परासरण दाब तो इसे ओपी से डिनोट करते हैं और इसे परासरण दाब कहते हैं यानी कि ऑस्मोसिस कब तक होगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अब एक एक लेवल के बाद एक लिमिट के बाद एक समय के बाद क्या होगा यहाँ पे जो पानी है ये आना बंद हो जाएगा ना पानी आना बंद होगा इस पानी आने को बंद होने के लिए इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा जो प्रेशर लगाया जाएगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसे क्या कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे देखिए आपको अगर नाम सुनेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको लगेगा कि ऑस्मोसिस के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है लेकिन नहीं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया गया, गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है जो आपको कंटेनर बी के द्वारा लगाया जाएगा आउटर फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज प्रो यहाँ पर लगेंगी जो यहाँ से सेक्शन ए से या फिर कॉलम ए से वाटर को सेक्शन बी में आने से रोकेंगी

ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कम से कम दाब या मिनिमम प्रेशर जो यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि इस इज इट इज द प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस सिंपल से डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस ठीक है अब डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं तो देखिए अपन क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को अब डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे देखिए ये है आपका वही सेम कंटेनर ए एंड कंटेनर बी ठीक है ये आपका हाई सॉल्वेंट वाला है ये हाई यहाँ पे हाई सॉल्वेंट है लो सोल्यूट मतलब कि ये सेम फिगर है यही वाला ठीक है ये जो बड़ा सा फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर यही को मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट बनाया हुआ है तो यही फिगर क्या है ऑसमोसिस से पहले का ये फिगर जो है ये ऑसमोसिस से पहले का है ठीक है यहाँ पे ऑस्मोसिस अभी हुआ नहीं है अब देखिए सेकंड आपका फिगर जो है सेकंड स्टेप में ऑसमोसिस हो चुका है यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में पानी मूव कर चुका है अब देखिए क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका लेवल तो अप हो जाएगा और इसका लेवल डाउन हो जाएगा क्योंकि पानी जो है यहाँ पर एंटर कर गया है, है ना पानी की एंट्री यहाँ हो गई है तो पानी की एंट्री यहाँ होने की वजह से यहाँ पे पानी कम हो गया और यहाँ पे पानी बढ़ गया इसीलिए देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये ये जो लेवल है है कम हो गया और ये लेवल बढ़ गया है जो नॉर्मल इनका लेवल था उससे ये बढ़ गया है और ये कम हो गया क्यों देखो मैंने यहाँ पे फिगर में एरो भी दी है ये ये एरो का मतलब है कि यहाँ पे ये लेवल बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे ऑस्पेसिस हुआ है कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ वाटर का मूवमेंट हुआ है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ है सेमी सेमीपर्मेंट के द्वारा हुआ है एंड विदाउट द यूज ऑफ एटीपी हुआ है इसीलिए इसे ऑस्मोसिस कहते हैं अब हो गया ऑसोसेस अब हमें रोकना है ऑसोसेस को एक स्टेप में के बाद रोकना भी तो है तो रोकने के लिए ये आपका आएगा फिगर थर्ड देखिए क्या होगा देखिए फिगर इस थर्ड में क्या होगा ये देखिए ये जो पानी का ऊपर का साइड है है ना जिसे अपन बायो एंड फोर्स भी कहते हैं तो यहाँ पे बायो एंड फोर्स एक्ट नहीं करेगा बट अदर फोर्स जो पानी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे प्रेशर लगेगा कि पानी को और लेवल अप नहीं करना है यानी कि इसका लिमिटेड जो लेवल था वो रीच हो गया है इसके बाद लेवल रीच होने की कोई चांसेस नहीं है तो अब ये ये जो लेवल नहीं होने का कंडीशन बनेगी तब यहां पर प्रेशर लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे चारों तरफ प्रेशर लगाएंगे और वो प्रेशर इस वाले तरफ से पानी को आने से रोकेगा क्योंकि पानी यहीं से तो आ रहा था तो इस तरफ ये प्रोसेस ज्यादा लगेगा और यहाँ पर इस पानी को आने से रोका जाएगा यानी कि और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आएंगे इसीलिए मैंने लिखा है कि नो फ्लो ऑफ H2O वाटर का और फ्लो नहीं होगा ठीक है और ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया है टू स्टॉप द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो तो ये आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा आपको अगेन आई एम टॉकिंग क्या देखो क्या कहा है Osmosis क्या होता है सबसे पहले बताया Osmosis क्या होता है इट द मूवमेंट ऑफ पैसिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा स्पेशली फॉर वाटर जब भी कभी आप कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी एरिया में किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वहां पे आप बात करते हैं किसकी ऑस्मोसिस मतलब कि वाटर के मूवमेंट की जब भी कभी वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं स्पेशली तो आपको टर्म यूज़ करना है ऑस्मोसिस वहाँ पे आप डिफ्यूजन वर्ड यूज नहीं कर सकते वहाँ पे आप ट्रांस ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते पानी के फ्लो को ऑलवेज हम वर्ड डिनोट करेंगे दैट इज ऑस्मोसिस ठीक है तो ऑस्मोसिस वर्ड से इसको डिनोट किया जाता है अब देखिए तो ये अपने हम डेफिनेशन ऑसमोसिस कर ली डायग्राम पढ़ लिया और ये स्टॉप कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑसमोसिस होते कैसे कितने प्रकार के ऑसमोसिस होते हैं तो दो प्रकार के ऑसमोसिस होते हैं देखिए पहला है एंडो ऑसमोसिस दूसरा है एग्जो एंडो ऑसमोसिस का मतलब होता है सेल के देखो एंडो का वर्ड का मतलब क्या होता है एंडो मतलब अंदर आना है ना ऑस्मोसिस मतलब पानी का मूव होना तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर अगर पानी आता है या फिर आप बात करिए किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर अगर पानी एंटर करता है सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन को याद रखना है सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन के होते हुए ही मूवमेंट होना, होना चाहिए अदरवाइज वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा ठीक है तो अगर किसी भी सेल के अंदर पानी आता है थ्रू सेमी परमानेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पानी अंदर एंट्री करता है तो उसे कहेंगे एंडो ऑसमोसिस अब देखिए किसी भी चीज के अंदर अगर पानी एंटर करेगा तो क्या होगा उस सेल का साइज बढ़ जाएगा है ना मान लीजिए एक किसमिश एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ एंड दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस जो आप अपने घर में अभी बैठकर कर ट्राई कर सकते हैं एक कटोरी लीजिए कटोरी में आप डालिए किसमिस ना कटोरी में पानी डालिए पानी के अंदर किसमिस डाल दीजिए अब रात भर उसको छोड़ दीजिए सुबह आप क्या देखेंगे सुबह so, आप क्या देखेंगे आपने देखा भी हुआ और आपको पता भी है लेकिन शायद हमने कभी इस प्रकार से नोटिस नहीं किया इस चीज़ को है ना तो देखिए जब पानी कटोरी का पानी जो था वो किशमिश के अंदर एंटर कर गया है ना और किशमिश क्या हो गई है स्वेल हो गई है सूज गई है मोटी हो गई है बड़ी हो गई है जिसे हम कहते हैं फुल गई है है ना कैसे फूल गई है वो पानी तो हो गया किशमिश के अंदर और कैसे गया है किशमिश के बाहर की जो झिल्ली थी किशमिश के बाहर का जो कवरिंग था है ना जो उसका लेयर था बाहर का जो उसका क्या बोलते हैं उसे कवर था या कैप था किशमिश का जो आपका क्या था बाहर का जो छिलका था उसके द्वारा होते हुए पानी अंदर गया है तो वो एक्ट करता है एज ए सेमी पर्मानेंट मेंब्रेन और वहाँ पे पानी जो किशमिश के अंदर एंटर कर गया है ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसमोसिस मैंने इसका लाइव आपको एग्जांपल दे दिया है आप करके ज़रूर देखिएगा और मुझे यस एंड नो करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने किया या नहीं एंडोस्मोसिस आपने देखा या नहीं है ना तो इस प्रकार से पानी जो है सेल के अंदर एंटर कर गया और सेल के अंदर एंटर कर गया तो ये कहलाएगा एंडोस्मोसिस क्या कहलाएगा एंडोस्मोसिस इसमें क्या होगा देखो इंक्रीज सेल साइज किसमें इसकी साइज बढ़ गई एंड सेल स्वेल और जो सेल है सेल स्वेल कर करेंगी सारी सेल्स करेंगी तो टिश्यू भी स्वेल करेगा टिश्यू भी स्वेल करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी किशमिश जो अपने को दिखती है वो सूजी हुई दिखती है स्वेल दिखती है मोटी दिखती है भरी फुरी फुली हुई दिखती है तो इसे अपन कहते हैं एंडो है ना अगर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा उसमें मान लीजिए और उसमें डिप्रेशन नहीं लगा और किशमिश ने पानी को लिए अंदर लिए गया लिए लिए तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा एट लास्ट वो बस्ट कर जाएगी बस मतलब फट जाएगी है ना तो ये बस्ट कर जाएगी फाइनली और ये बस्ट कर जाएगी तो फाइनली तो आपकी किशमिश जो है फूट जाएगी तो इस प्रकार से आप एंडो को इजिल देख सकते हैं अपने आसपास अपने घर में तो ये था पहला एंडो ठीक है दूसरा है एग्जो एग्जो का मतलब होता है बाहर निकलना एग्जो मतलब बाहर निकलना ठीक है यानी कि यहां पर क्या होगा जस्ट पहले वाले का रिवर्स पानी था और वो बाहर निकल जाए तो उसे अपन कहते हैं एग्जॉस्मोस और इस कंडीशन में आप सोचिए क्या होगा जो सेल का पानी था वो बाहर निकल गया तो सेल सिकुड़ जाएगी सेल क्या करेगी श्रिंक करेगी श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी सेल सिकुड़ जाएगी सेल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कैसे हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसी को साइंस की भाषा में अपन कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों दूर दूर हो जाएं देखिए प्लाज्मोलाइसिस वर्ड हम यूज करेंगे ओनली फॉर प्लांट्स किसके लिए यूज करेंगे ओनली फॉर प्लांट्स है ना प्लांट्स तो अपन प्लांट्स के लिए ये वर्ड जो है प्लाज्मोलाइसिस वो यूज़ करने वाले हैं अच्छा क्यों प्लांट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं ओनली हम क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होने ज़रूरी है और प्लांट सेल में ही सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है इसीलिए प्लाज्मोलाइसिस जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है ओनली फॉर प्लांट्स चलिए तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ एग्जॉसमोसिस का लाइव एग्जाम्पल देखिए आप जब पानी में बहुत देर काम करते हैं स्पेशली जो आपके वीडियो आप देखने वाले जो भी गर्ल्स हैं या फिर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आई थिंक मेल तो ये, ये कम ही देखते होंगे बट फीमेल्स में ये बहुत बार ज़्यादातर दिखता ही है अपन जब पानी में बहुत सारा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक हाथ को पानी में रखते हैं तो आपने क्या देखा है ये जो फिंगर्स है यहाँ से श्रिंक कर जाती हैं कभी आपने नोटिस किया है यहाँ से यहाँ से जब अपनी फिंगर्स होती हैं वो ज़्यादा देर तक पानी में रखने की वजह से कर जाते हैं सिकुड़ जाती है, है। यहाँ से ये देखो अंगुलियाँ, कभी कभी अपन जब ज्यादा देर पानी में काम कर लेते हैं तो सिकुड़ जाती है ना ऐसे, तो वो क्यों होता है उस दौरान हमारी जो फिंगर्स की सेल्स में क्या हुआ है एग्जोस्मोसिस हुआ है कैसे देखो हम पानी में बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ ज़्यादा जा, देर तक पानी में डूबा हुआ रहा है है ना तो जब फिंगर्स हमारी पानी के अंदर डूबी हुई रही हैं तो क्योंकि उस टब के अंदर या उस बाल्टी के अंदर या जहाँ पे आप बकेट में पानी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ पर पानी का पानी की कंसनट्रेशन कैसी थी ज़्यादा थी है ना और आपके यहाँ पर पानी की कंसनट्रेशन कैसी अंदर यहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन कम है और वो क्या करेगी यहाँ पे सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है है ना तो अब क्या हो जाएगा जो पानी है वो आपके सेल्स से निकल के बाहर आ जाएगा है ना सेल्स से निकल के बाहर आ जाएगा और सेल्स से निकल कर आपके हैंड्स से निकल कर पानी जो है वो बाहर आ जाएगा तो वो एग्जॉस्ट्रोसिस कर लाएगा और रिजल्ट में क्या होगा आपकी जो ये सेल वाल है ये श्रिंक करेंगे स्पेशली तब होता है ये केस जब आप सर्फ में साबुन में या फिर किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं ना डिटर्जेंट्स का यूज़ करने पे स्पेशली ऐसा काम ज्यादा होता है देखिए क्यों क्योंकि डिटर्जेंट्स के अंदर आयंस की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है है ना और हमारे फिंगर्स में तब क्या होता है तब उस कंडीशन में हमारे फिंगर्स के अंदर जो है पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और डिटर्जेंट में पानी की मात्रा कम तो जब हम पानी में ऐसे यूज करते हैं अपने हैंड्स को तो पानी जो है अपने सेल से बाहर निकल जाता है ठीक है तो ये था एक्समोसिस का एग्जाम्पल ठीक है आपको दोनों ही प्रकार याद हैं एंड एंड है और फाइनली बस्ट कर जाती है ना एंड एग्जो ऑस्मोसिस में सेल श्रिंक करती है उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है और फाइनली जो सेल है वो श्रिंक करके छोटी हो जाती है साइज उसकी कम हो जाती है ठीक है ये था आपका ऑस्मोसिस उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एंड उसके बाद हमने पढ़ लिया

पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को आगे भी आपको कंटिन्यू करना है और पूरा एंड तक जरूर देखना है ठीक है ओके जो आपका अभी मैंने आपको जो बोला है टाइप्स ऑफ जो वाटर हैं ये एक्जो ऑस्मोसिस के बाद जो होगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किस प्रकार से होंगे दैन हाइपरटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में आपको वीडियो पार्ट टू में दूंगी तो उस वीडियो का आप वेट कीजिए तुरंत ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा इसकी जस्ट बाद में ही और आप प्ले से वो वीडियो चेक कर लीजिएगा वो देख लीजिएगा ताकि आपको हाइपरटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक सोल्यूशन भी समझ में आ जाए और ये वीडियो आपको समझ में आया है नहीं कमेंट सेक्शन में मेंशन में जरूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच कि आपने अब तक वीडियो को देखा है वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डील कराती हूँ बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ और इजी एंड कन्वीनियट वे में और अपने हैंडमेड नोट्स के साथ ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज कीप शेयरिंग लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग इट एंड अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके क्या रिव्यूज़ या क्या इसमें कमियां या क्या इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है या फिर आपको इसमें क्या और मुझे मुझे इसमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए वो भी आप मुझे हेल्प कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज थैंक यू